आज आनंद सरोवर में जो हॉल बनाया हुआ है, दिव्य अनुभूति हॉल, उसकी ओपनिंग है। ये सामने जो दिख रहा है ये ऑफिस है, उसके बाद ये बाबा की कमरा है। ये हॉल की फ्रंट साइड है। चलिए आपको हॉल के अंदर ले चलता हूँ। इसके अंदर 1000 भाई बहन बैठकर बाबा की याद कर सकते हैं। बाबा की इस हॉल में 1000 भाई बहन बैठ सकते हैं। अभी झाड़ू करने देना यार। डाइनिंग हॉल भी बाजू में है, किचन है। यहाँ बहन जी लोग का कुछ खाना
हाँ जी सब पहले पीछे हो जाए सब इसकी बिना तो कुछ चलता ही नहीं है भारत में। चलो उधर से चलो Thank you.
ओम शांति ओम शांति सदगुरु का गुरु पूर्णिमा का दिवस है। ऐसे विशेष दिवस पर एक अलौ सम्मिलित हुए परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी और उनके साथ आए हुए उनको संभालने वाले सभी बहने और इस कार्यक्रम के इस अनुभूति धाम का भवन निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पधारी और स्नेही सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की सहयोगी और बाप दादा का तत्कनशी दादी विशेष करके दादी निर्मल दीदी निर्मला डॉक्टर निर्मला दीदी जी और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन और संतोष अन्य सभी भाई इस भवन का निर्माण करने वाला रमेश भाई और इस सबका प्रेरणा स्रोत खड़ी बनकर के रहा देव भाई और सभी भाई बहने आप विशेष करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बाप दादा का भुजा कहो फेस कहो वह एक शोकेस कहो आप सभी बहने इधर उपस्थित है आप सबको अपनी तरफ से बाबा की शांति। जब से मेरा जन्म हुआ दिव्य अलौकिक जन्म हुआ है, मैं मधुबन में रही हूँ आज 55 साल से, तो जो भी बाबा के भवन बने हैं आज दिन तक उन सबको सदा सजाने संवारने का और हर प्रकार से सहयोग देने का दादी जी ने मुझे कार्य दिया। जो सब ओम शांति भवन बना कि विशाल भवन बना कि जो वर्णन नहीं करती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए मैं उन भवनों में चक्कर लगाती हूँ और चक्कर लगा कर के क्या कमी पेशी है, क्या आवश्यकता है, क्या सामान मंगाना है और कैसे उसको सजाना है, वो सब कार्य मैं करती रही हूँ और खूब प्यार से उमंग उत्साह से दादी जी की सर्व शक्तियाँ आप सब का सहयोग सदा साथ है ही है। तो ऐसे ही मैं कहूँगी ये
आनंद सरोवर बाबा का इतना सुंदर स्थान बना हुआ है। लेकिन जब भी मैं यहाँ बताती हूँ, मैं जब अपने हाथ से सब सजाती हूँ, खड़े होती हूँ, आती हूँ, तो मुझे सब याद रहता है कौन सी घड़ी है, किस कमरे में लगी है, किस दीवार में लगी है। अगर मैं दोबारा जाऊँगी और वहाँ वो चीज़ नहीं होगी तो मैं फट से कहूँगी कहाँ गई। तो इतना प्लेटिनम हाउस है यहाँ और भी सब भवन है। तो मेरे को एक ही मन में ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग में है जहाँ पर बाबा के बच्चे खाते हैं, लेकिन छोटा पड़ता है। फिर ये हॉल बना तो मैं देव भाई से, वो मेरे साथ होता है और वही सब भवन संभालता है, तो मैं उससे हमेशा कहती थी भाई कोई जगह ढूंढो जहाँ तुम हो। सभी के सहयोग से हुआ है, लेकिन मुख्य पार्ट इसमें देव भाई जी का भी रहा है, जिन्होंने आर्टिस्ट वगैरह को बुला के दिखा के और सब कार्य करवाए हैं, और हमारी वरिष्ठ बहनों के द्वारा हो रहा है। उत्साह रहा और हर प्रकार से सहयोग रहा मेरा भी, और आप सब कहना यही है, सभी उसमें अपनी सहयोग की उंगली देते रहेंगे। डाइनिंग में ऐसे लगा देना, ये VIP हॉल है, VIP डाइनिंग है, कोई भी अच्छा VIP का 400-500 का प्रोग्राम करना है तो यह आराम से हो सकता है। अभी तो ये दे दिया है, इसकी डेट्स जो है काफ़ी आगे दे दी है बाबा के सीजन के पहले तक की। तो यहाँ पर शिविर चलता है, टाइम तो होता गया, अभी पूरा रिफाइन सब संभालता तो देव भाई है, मेरे से पूछता है हर बार प्रोग्राम। और आप सबका भी धन्यवाद है जो सदा अपने सहयोग की उंगली लगाते रहते हो तो बाबा के घर का कार्य होता रहता है। ओम शिव। Thank you.